इफिसियों 2 उसका 8 और 9 वचन। हम यहां पर बहुत बार हम कहते हैं अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि केवल अनुग्रह से नहीं, विश्वास से और अनुग्रह से। बोलो विश्वास और अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है। हाँ, यहाँ लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। आज आपका उद्धार हुआ है, आपने नया जीवन पाया है। कैसे कैसे पाया? हाँ, आपका उद्धार हुआ है। कितनों का हुआ, हाथ उठाएं जरा। हालेलुया, आपने नया जन्म पाया है, नया जन्म। और ये नया जन्म हमने कैसे पाया? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। जब हमने यीशु पर विश्वास किया तो उसका अनुग्रह हमें मिला, और उस अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया। पापों की क्षमा हमें मिल गई, अनंत काल का जीवन हमें मिल गया। किस चीज से? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, तुमने नया जन्म पाया है। तो आज हमने नया जन्म पा लिया, काम खत्म हो गया। हाँ, क्या काम खत्म हो गया? नहीं, हमारे घराने का उद्धार, अभी उन लोगों का उद्धार जो प्रभु को नहीं जानते, जिनका नया जन्म नहीं हुआ। हालेलुया। तो हमें याद रखना है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार। अनुग्रह पता है किसको कहते हैं? अनुग्रह वो होता है जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया। लिखा यहां पर, आपके कर्मों से आपको मुक्ति नहीं मिली, आपके धर्म कर्म के कामों से आपको मुक्ति नहीं मिली। अनुग्रह क्या है? वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का दान है। समझ रहे हैं? प्रभु ने का जो उद्धार है वो हमारे लिए एक दान है, अनुग्रह के द्वारा। उसके हम लायक नहीं थे, हम पापी थे, हम गंदे थे, कुकर्म करने वाले थे, पर प्रभु ने अपनी दया दिखाई और हमारा उद्धार किया। हालेलुया। तो ये हमारे कामों कर्मों की वजह से नहीं कि हम घमंड करें, जी मैंने तो ये किया था इसलिए मेरा उद्धार हो गया, मैं तो बहुत दान देता था तो मेरा उद्धार हो गया है, मैं बहुत भक्ति करता था। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं कि कोई घमंड करे, ये परमेश्वर की ओर से दान है, विश्वास के द्वारा। तुमने यीशु पर विश्वास किया और यीशु ने तुम्हारा अपने अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार किया। हालेलुया। तो उद्धार जो है, मुक्ति जो है, अनंत काल का जीवन जो है, वो प्रभु ने हमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह से दिया, ताकि कोई अपने कर्मों पे घमंड ना करे। तीतुस 2:11, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। प्रभु का अनुग्रह ऐसा नहीं किसी एक जाति और एक देश के लोगों के लिए। प्रभु का अनुग्रह क्या लिखा है? सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। हम देखते हैं यहाँ पर कितने सारी जातियाँ, हाँ, कितने सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग, हर देश से, हर स्टेट से, हर गांव से, सबके लिए। तो क्या है? परमेश्वर का जो उद्धार है, उसका जो अनुग्रह है, वो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हालेलुया। तो अब ये अनुग्रह क्या करना है? हमें सब मनुष्यों तक पहुंचाना है।
हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है ये? क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है। अच्छा, ये धनी व्यक्ति ये भी बच गया, ये अनपढ़ व्यक्ति ये भी बच गया, ये पढ़ा लिखा ये भी बच गया, इस ऊंची जाति से भी आ गया, ये दूसरी जाति से भी आ गया, इस देश से भी आ गया, इस भाषा से भी। क्या है, हम देख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है, सब प्रकट है, और जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। बोलो सब मनुष्यों के, सब मनुष्यों के, सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हालेलुया। जो कोई प्रभु के पास आएगा और विश्वास करेगा, प्रभु का अनुग्रह उस पर होगा, वो अपने उद्धार को पाएगा। उसके लिए उसको कोई कीमत नहीं चुकानी, सिर्फ विश्वास करना है और अनुग्रह के द्वारा उसका उद्धार होगा। प्रेरितों 16 अगर हम निकालें, उसका 30। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि जब पौलुस और सिलास जेल में बंद हैं, हाँ, और वहाँ पर एक बड़ा भूकंप हुआ और सारे द्वार खुल गए और बंधन टूट गए, तो दरोगा जो था वहाँ का, उसने तलवार खींची। उसने सोचा सारे कैदी भाग गए और राजा मुझे मार देगा। उसने पहले ही तलवार खींच के अपने आप को मारना चाहा, लेकिन वहाँ पर एक आवाज़ आई। पौलुस ने कहा, उसने कहा, डरो मत, हम यहीं हैं अभी। तो डरते कांपते हुए पौलुस सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, जेल से बाहर लाकर, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, पापों की क्षमा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, अनंत काल का जीवन पाने के लिए। उद्धार क्या है? पापों की क्षमा, अनंत काल का जीवन, उस नरक की आग से बचना। और उसने कहा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? बहुत सारे तुम्हें उद्धार पाना है, मुक्ति ऐदा ही नहीं मिलती, हाँ बहुत दान पुण्य करने पैंदे ने, बहुत कुछ करना पैंदा, बड़ी भक्ति करनी पैंदी है। तो यहाँ पर दरोगा पूछता है, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? क्या करना है उद्धार पाने के लिए? आजकल बहुत सारे ज़्यादा दिमाग वाले हम लोग, ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, बहुत सारी अपनी तकनीकें बताते रहते हैं। पहले पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, पहले नशे छोड़ने पड़ेंगे, फिर तेरा उद्धार होएगा। कहीं नहीं लिखा बाइबल में ऐसा। प्रभु ने क्या लिखा है यहाँ पर, क्या कहता है पौलुस, सुनो। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या करना है उद्धार पाने के लिए? हाँ, क्या कहा? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। यीशु मसीह पे विश्वास कर। उसने कहा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? कौन से पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे मेरे को? क्या करूं उद्धार पाने? उसने कहा, सिंपल, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो क्या करना उद्धार पाने के लिए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितना सिंपल और छोटा सा काम है। तू प्रभु यीशु में विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये अनुग्रह है। यीशु मसीह पे विश्वास कर मतलब यीशु मसीह जो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित दे चुका है, जो तुम्हारे पापों का दंड उठा चुका है, जो तुम्हारे लिए क्रूस पर मर चुका है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, जिसने तुम्हारी मुक्ति का कार्य पूरा कर दिया। अब तूने उसके किए हुए कार्य पे केवल विश्वास करना है कि यीशु ने मेरे पापों का प्रायश्चित कर दिया है। यीशु मसीह पर विश्वास कर
तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक योहन्ना निकालेंगे, पहला योहन्ना 2:12, हे बालको मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। हे बालको मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। तो जब तुम यीशु पे विश्वास करते हो तो यहाँ पे लिखा है, हे बालको मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम यीशु के नाम पर विश्वास करो। हालेलुया। किसके नाम पर? जिसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। किसी ने किसी के नाम से पापों की क्षमा नहीं है। पूरी दुनिया में आज तक जितने भी नाम हैं, भले किसी देवी देवता के हैं, भले किसी व्यक्ति के महापुरुषों के हैं, पर किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे नाम से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, या तुम्हारे पापों के लिए किसी ने जान नहीं दी। कोई मुर्दों में से जी नहीं उठा, किसी के आने की भविष्यवाणी या पहले से नहीं, पर यीशु के नाम से क्या है? पापों की क्षमा है। एक बार फिर पढ़े इसे। हे बालको मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। किसके नाम से क्षमा हुए तुम्हारे पाप? बोलो, यीशु के नाम। जोर से बोलो, यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हर पीढ़ी के व्यक्ति के पाप क्षमा हुए। तुम्हारे पिछले पाप, तुम्हारे अब के, तुम्हारे आने वाले समय में भी कोई ऐसी चीज तुमसे हो जाती है जाने अनजाने, प्रभु ने तुम्हारे सारे पापों को क्षमा किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से पापों को क्षमा। तो ये किसको चाहिए? ये पापों की क्षमा किसको किसको चाहिए? आपको तो मिल गई है हा? अभी और भी हैं दुनिया में लोग, हैं कि नहीं? उनको चाहिए नहीं चाहिए? कौन पहुंचाएगा उन तक यीशु का नाम? कौन पहुंचाएगा यीशु का नाम उन तक? आपकी ड्यूटी है। कुछ नहीं, बहुत लंबे चौड़े सुसमाचार देने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत नहीं है। वो दरोगा ने पूछा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? पौलुस और सिलास उसको बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। हालेलुया, यीशु के नाम पर, और उसके नाम से हमने पापों की क्षमा पाई है। यीशु का नाम पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। योहन्ना 16:8, वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। संसार के पास कोई उत्तर नहीं है, उद्धार के लिए कोई उपाय नहीं है, किसी और नाम से उद्धार नहीं है। तो क्या है? वो आकर संसार को पाप के विषय में, जितनों ने यीशु पे विश्वास किया वो उद्धार पाएंगे, लेकिन जितनों ने नहीं किया वो दोषी ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पास उद्धार भेजा लेकिन उन्होंने उस उद्धार को नहीं लिया, तो क्या है? बाइबल कहती है वो दोषी ठहरेंगे। धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कोई उत्तर नहीं है संसार के पास, अगर हम पूछें आज। सत्य को जानते हैं, पता है पापों के की सजा है, पता है आत्मा मरती नहीं, पता है, उनके पास कोई उत्तर नहीं अगर उन्होंने विश्वास नहीं किया। रोमियो 2:11,
क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर तूने विश्वास किया तो तेरा उद्धार होगा, तूने विश्वास नहीं किया तो तू दोषी ठहराया जाएगा। भले वो कोई कितना भी अमीर है, कोई राजा है, कोई बहुत बड़ा अरबपति है, बाइबल कहती है परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो यीशु के नाम पे विश्वास लाएगा उसका उद्धार होगा, जो यीशु के नाम पे विश्वास लाएगा उसको पापों की क्षमा मिलेगी, जो यीशु के नाम पे विश्वास लाएगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, जो यीशु के नाम पे विश्वास लाएगा वो नया जन्म पा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पूरे संसार में वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं का भी, किसी जात का, किसी देश का, किसी रंग का क्यों नहीं, वो किसी का पक्षपात, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें क्या करना है, हमें यीशु के नाम को उस नाश होने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? आज लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं उद्धार पाने के लिए, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे लोग उद्धार पाने के लिए तपस्याएं कर रहे हैं, सिर के बाल उखेड़ रहे हैं, बिना वस्त्रों के घूम रहे हैं उद्धार पाने के लिए, शरीर पर राख लगाए हुए हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, ना जाने क्या कुछ कर रहे हैं। हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? बाइबल स्पष्ट बताती है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और हमें ये उद्धार का वचन हर एक तक पहुंचाना है। सिंपल सिंपल, यीशु कर चुका है, यीशु पाप क्षमा कर चुका है, यीशु पापों का दंड ले चुका है, यीशु हमें अनंत काल का जीवन दे चुका है। हमें क्या करना है? सिर्फ उसके किए हुए काम पर विश्वास करना है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है। हालेलुया। मुश्किल है? मुश्किल है, जितना कुछ हम कर चुके हैं मुश्किल नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है? यीशु का नाम सब तक पहुंचाना है। रोमियो 1:16, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। तो हमें क्या है? हमें सुसमाचार से नहीं लजाना। हर एक लिखा है, वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, भले वो यहूदी है, यूनानी है, वो अरबी है, वो कोई चाइनी है, वो जापानी है, वो इंडियन है, वो कोई भी क्यों नहीं है, वो साउथ इंडियन है, वो पंजाबी है, वो बिहारी है, वो कोई भी क्यों नहीं, बाइबल में लिखा है वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, कोई भी क्यों नहीं, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। तो इसलिए पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। अब जानते, पौलुस एक विद्वान पुरुष था, अच्छी पोजीशन पे था, राजाओं के साथ उठता बैठता था, कलीसियाओं को सताने वाला था, लेकिन जब यीशु के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, उसके बाद वो राजाओं के सामने यीशु का वचन सुनाता था। वो कहता है, हर वो चीज जो मेरे लाभ की है मैंने कूड़ा समझ लिया उसे,
और वो कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। कितनी बार, 5 बार उसको कोड़े पड़े, कितनी बार उसे बेते पड़ी, कितनी बार उसका उसको मारा गया, वो उठता था फिर सुसमाचार सुनाता था, फिर उठता था फिर सुसमाचार सुनाता था। बोलता मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये हर एक यूनानी के, यहूदी के लिए, फिर यूनानी के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। आपको और मुझे भी सुसमाचार से नहीं शर्माना। आपको नहीं पता, हो सकता है आपके साथ एक बहुत अमीर व्यक्ति पड़ा हो लेकिन वो थोड़े दिनों में मरने वाला हो, वो व्यक्ति थोड़े दिनों में मरने वाला हो, उसे कोई ऐसी बीमारी हो। हमें क्या करना है? अपना मुंह खोलना है और यीशु के विषय में उसे बताना है। तू यीशु पे विश्वास कर, तू चंगा हो जाएगा। तू यीशु पे विश्वास कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। हमें अपना मुंह खोलना है। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सचमुच जब मैंने प्रभु को जाना, जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, उसकी सामर्थ को जाना, उसके सत्य को जाना, उस दिन से लेके आज तक कभी मेरा मुंह बंद नहीं रहा। आज भी कोई मुझे मिलने आता है तो सबसे पहले मैं उसे वचन सुनाती हूं, भले वो किसी भी काम आया हो। मेरा काम है उसे प्रभु के बारे में बताना, क्योंकि पौलुस कहता है यहां कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार की निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। आपके आसपास हजारों लोग नाश की तरफ जा रहे हैं, वो नाश होने वाले हैं, लेकिन आपके एक शब्द के द्वारा उसका रास्ता बदल जाएगा। वो विनाश के रास्ते से उद्धार के रास्ते पर आ जाएगा। वो अनंत काल के आग की झील से परमेश्वर के अनंत काल के घर में आ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें सुसमाचार से नहीं, बहुत सारे लोग सोचते अब तो मैं कुछ बन गया हूं, अब मैं सुसमाचार। आप कुछ भी बन जाओ, ये प्रभु का कार्य है, ये परमेश्वर चाहता है। आप बस में बैठे हैं, आप ऑटो में बैठे हैं। अभी एक बहन मुझे मिलने आई, आप जानते हैं एक व्यक्ति अनंत काल की आग में चला जाएगा आपके मुंह ना खोलने के कारण, आपके सुसमाचार से लजाने के कारण। बहुत बार लोग नहीं सुनते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं सुनते। परमेश्वर बहुतों को बचाता है। फिर प्रभु कहता ही ना कि सुसमाचार करो। अगर आपके बहाने सही होते, हाँ हमने बताया, मानता ही नहीं कोई, फिर प्रभु का वचन गलत है जो कहता है सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। आप तक भी सुसमाचार पहुंचा था, आप तक भी किसी ने पहुंचाया था। अगर आज आप बचे हैं तो अब हमारी ड्यूटी है कि हम उस सुसमाचार को, और बाइबल कहती है सुसमाचार में सामर्थ है। आप जानते जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु की सामर्थ आप में होकर कार्य करती है। हालेलुया। सुसमाचार एक सामर्थ है, और आप फील करोगे कि जब आप सुसमाचार सुनाते हो आप एक अलग ही सामर्थ से भर जाते हो, और ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे वचन आपके मुंह से निकलते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं, ये सुसमाचार की सामर्थ है। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार की सामर्थ, आप अपने काम के प्लेस में, आप कहीं भी क्यों नहीं, सुसमाचार। हमें लजाना नहीं है सुसमाचार से, हमें बताते हुए हम चर्च जाते हैं, घबराना नहीं है। यीशु मसीह हमारा घमंड है, हाँ हमारा पैसा, हमारी गाड़ी, हमारा घर नहीं, यीशु मसीह हमारा घमंड है। हमारा घमंड है कि आज हम उसे जानते और समझते हैं। आज हमें घमंड है कि यीशु के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है, हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया। आपने आज उस बच्चे की गवाही सुनी, हाँ 3 महीने कोमा में, लड़ाइयां, झगड़े, पाप, नशे, ड्रग्स, क्या हुआ? जब किसी ने बताया, प्रार्थना हुई, क्या हुआ? वो बच्चा कोमा में मर सकता था, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे बचाया। किसी ने उसे बताया, किसी ने सब
शर्म लिहाज छोड़ के भाई वहां पर चंगेरा चर्च में एक बार फोन कर लो, प्रभु बहुतों को चंगा करता है, बहुत सारे मिरेकल हमने देखे हैं वहां पर। और उन्होंने फोन किया और वो बच्चा उसी दिन होश में आया और तीसरे दिन घर पे आ गया। अब वो पूरी तरह से आजाद है, ना गालियां बकता, ना लड़ाई झगड़े, ना कुछ, आज वो प्रभु के भवन में सेवा करता है। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? सुसमाचार में सामर्थ्य, सुसमाचार में सामर्थ्य। चार चार घंटे अभी वो प्रेयर करता है, आधी आधी रात तक प्रभु की सेवा में रहता है। ये है बदलाव, ये है सुसमाचार की सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जितने यहां पर बैठे हैं, आपकी जिंदगियां बदली हैं सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा। आज हमें शर्माने की जरूरत नहीं है, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। बाइबल कहती है हर एक विश्वास करने वाले के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। आज हम बहुत कुछ बन जाते हैं, अरे हम क्या बताएंगे, सुनते तो है नहीं, हम क्या। आपने सुना, आपने भी विरोध किया, मैंने भी विरोध किया, लेकिन उससे ऐसा नहीं, बीज ने अपना काम किया। आपका आप जब वचन सुनाएंगे, आप वो बीज डालेंगे, वो उगेगा, आज नहीं कल वो उगेगा यीशु मसीह के नाम से। आज टोटली उसकी लाइफ चेंज है। और एक जवान नहीं है, कलीसिया में हजारों जवान ऐसे हैं जिनके जीवन पाप में थे और जो आज परमेश्वर की सेवा में है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो सोचो दूसरों के सर फोड़ने, अपने सिर फुड़वाने, क्या लाइफ थी। आज ऐसी हजारों लाइफ यीशु के द्वारा चेंज हो रही हैं। परमेश्वर धर्म चेंज नहीं करता, प्रभु जीवन चेंज करता है, एक पापी को धर्मी बनाता है यीशु मसीह। हालेलुया।